वैदिक सभ्यता, जिसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता को देखा। सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, जिसके अंतर्गत हमें लेखन कला मिलती है और लिपि भी मिलती है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। लेकिन वैदिक सभ्यता का जो है वह थोड़ा सा अलग विषय है। वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें इतिहास से प्राप्त होती है और ऐतिहासिक ग्रंथों से इसकी जानकारियां पूरी तरह से प्राप्त होती है। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वेद से हमें इसकी पूरी जानकारियां प्राप्त होती है, और जो उत्खनन में पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए उनसे उसकी पुष्टि भी होती है। इसलिए भारत का जो ऐतिहासिक काल है, जिसके अंतर्गत लिपि और लेखन कला मिली और उसे पढ़ा भी गया, वह कहीं ना कहीं वैदिक सभ्यता से ही प्राप्त होता है। वैदिक सभ्यता से ही भारत का ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है, जहां हमें इतिहास की संपूर्ण जानकारियां साहित्यों से मिलती है और पुरातात्विक साधनों से उसकी पुष्टि भी होती। वैदिक सभ्यता में जिससे हमें सबसे पहले जो जानकारियां प्राप्त होती है वो होती है ऋग्वेदिक ग्रंथ से, ऋग्वेद ग्रंथ से हमें वैदिक सभ्यता की जानकारियां प्राप्त होती है। वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो वैदिक आर्यजन थे, वैदिक आर्य। तो वैदिक सभ्यता का जो कालखंड है पूर्णतः 1500 ईसा पूर्व से इसे 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक सभ्यता 1500 से 1000 ईसा पूर्व तो माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी यह सभ्यता चलती रही। लेकिन इसमें जो वैदिक सभ्यता का जो प्रारंभिक 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय था, इसमें कहीं न कहीं इसमें क्रमिक विकास हुआ। लेकिन जो 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो यह समय था, इसमें एक बृहत परिवर्तन हुआ, और जो इस समय जो व्यवस्थाएं थी उनका उलट दौर इस काल में प्रारंभ हुआ। जैसे कि इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वे यहाँ पर ये कर्म आधारित थी, और यहाँ पर आकर ये जन्म आधारित हो जाती है। वैदिक सभ्यता के प्रारंभिक दौर में जाति व्यवस्था का कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, जबकि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत यह जाति व्यवस्था में भी बट जाता है। इसलिए इसे दो कालों में पढ़ा जाता है, एक वैदिक सभ्यता और दूसरी होती है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, और ये जो कालखंड है ये उत्तर वैदिक काल का ही है। तो हम इसमें से सबसे पहले वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत देखते हैं कि वैदिक आर्य कौन थे, ये कहाँ से आए थे, इनका बसाव भारत में कहाँ पर हुआ था, और किन क्षेत्र में ये निवास करके आगे बढ़े, इस तरह से इनकी जानकारी हम देखने का प्रयास करते हैं। वैदिक सभ्यता की जानकारियों का जो सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऐसे कई प्रमाण हैं जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यह कहाँ से आए हैं और किस तरह से सबसे पहले इनका बसाव भारत में किस क्षेत्र में हुआ। ये है वर्तमान भारत का एक काल्पनिक नक्शा। और जब बात करें हम वैदिक संस्कृति की, तो उस समय भारत ऐसा नहीं था। उस समय पर भारत का जो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र था ये भी भारत में सम्मिलित था, और जो अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है ये भी भारत में ही, इसका भी कुछ क्षेत्र भारत में ही लगता है। तो वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वे आर्य थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। तो ये जो लोग आए थे ये सबसे पहले आए कहाँ, तो ये जो ईरान है, यहाँ पर ईरान है, वैदिक आर्य सबसे पहले ईरान में आए, और ईरान में आने के बाद इनके दो गुट हो गए, इनके दो कबीले बन गए, जिसमें से एक हुए असुर और दूसरे देवधर्म। आर्य इनके ईरान में जैसे ही आए उसके बाद इन ये दो कबीलों में बट गए, एक हुआ असुर और दूसरा हुआ देवधर्म। तो जो असुर थे ये तो यही रह गए, लेकिन जो देवधर्म वाले जो कबीले के जो निवासी थे उनका प्रसार अफगानिस्तान में होते हुए ये भारत में इन्होंने प्रवेश किया।
अफगानिस्तान में जो कुछ नदियां हैं जैसे कि काबुल है, कुर्रम है, और ऐसी कई नदियां हैं जिनका ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। वहीं भारत की भी जो सप्त सिंधु है जैसे कि सतलज, सतलज, सिंधु, रावी, ऐसी सरस्वती, ऐसी ये जो भारत की सात नदियां हैं सप्त सिंधु नदी का भी इसमें उल्लेख किया गया है। तो इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि ये लोग सबसे पहले अफगानिस्तान, उसके बाद में ये भारत में आए। लेकिन ऋग्वेद में हमें गंगा गंगा और यमुना का कहीं कहीं पर एक दो बार ही जिक्र प्राप्त होता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गंगा गंगा के पश्चिमी तट यहां से लेकर तो ये अफगानिस्तान तक इनका विस्तार था, और हिमालय जो है यहाँ हिमालय स्थित है, तो हिमालय के ऊपर तो जा नहीं सकते और इधर से आ भी नहीं सकते, तो आने का रास्ता तो यही है, यही है। वही ऋग्वेद में विंध्याचल पर्वत का भी कोई उल्लेख नहीं है, अर्थात जो प्रारंभिक वैदिक आर्य थे उनकी जो बसाहट है वो काफी कम मानी गई है, और काफी कम क्षेत्र में उनका बसाहट मानने के कारण मानी गई है, काफी कम क्षेत्र में उनकी बसाहट मानी गई है। ये इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि उनकी जो बसाहट थी वो कहीं न कहीं हिमालय से लगाकर गंगा के पश्चिमी तट और विंध्याचल के उत्तरी भाग से लेकर ये जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहां तक मानी गई होगी। और इनका जो केंद्र था कालांतर में, इनका केंद्र जो सरस्वती नदी थी, नदी घाटी में इनका केंद्र हो गया होगा, ऐसा माना जाता है। अब इसकी जानकारियां हमें एक आर्य साहित्य अवेस्ता और ऋग्वेद, इन दोनों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है कि ये ईरान से होते हुए अफगानिस्तान और फिर भारत में इन्होंने इसका प्रवेश किया है। वही बात करें हम इनके आगमन की कि ये फिर इस तरह से भारत में आए। अब लेकिन भारत में जब ये आए तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर खाली जगह पड़ी थी और ये रहने लग गए, यहाँ पर भी कोई लोग रहते होंगे। तो जब ये यहां से यहाँ रहने आए तो इनके कुछ संघर्ष यहाँ के मूल निवासियों से हुए, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, जिन्हें आर्य, इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, और इन्हें आर्य और अनार्य संघर्ष को भी वहां पर बताया गया है। तो देखते हैं आर्य और अनार्य संघर्ष में क्या हुआ। जब यहां से ये आए तो यहां सिंधु घाटी, हो सकता है कि सिंधु घाटी या ऐसे ही कुछ मूल निवासी यहां रह रहे होंगे, उनसे इनका संघर्ष हुआ, और संघर्ष की जानकारियां भी हमें प्राप्त होती है। जैसे कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, किलों को तोड़ने वाला या नगरों को तोड़ने वाला कहा गया है। वहीं यहाँ के जो अनार्य थे उन्हें दस्यु कहा गया है, दस्यु, दस्यु या दास, दास कहा गया है। इसका अर्थ यही होता है कि यहाँ के जो मूल निवासी थे उनसे इन्होंने युद्ध किया, और युद्ध में जब ये पराजित हो गए तो इन लोगों को दास बना लिया, और आर्यों ने अपनी यहाँ पर सभ्यता स्थापित कर लिया, संस्कृति स्थापित की, ये यहाँ रहने लगे। और मूल निवासी जो थे यहाँ के, वे हो सकता है कहीं जंगल में चले गए हो और कुछ दास बन गए हो, ऐसे साक्ष्य भी इतिहास से हमें प्राप्त होते हैं। जब आर्यों का भारत में आगमन हुआ, आगमन के पश्चात उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों से युद्ध किया, उनका संघर्ष हुआ। लेकिन संघर्ष केवल मूल निवासी है यहाँ के रहने वाले लोगों से ही नहीं हुआ, उनमें आपस में भी संघर्ष हुआ। इनका विभाजन दो भागों में हो गया था, संघर्ष अब ये संघर्ष आर्यों में आपस के कबीलों में भी हुआ और अनार्यों के साथ भी हुआ। आर्यों के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ एक दशराज, ऋग्वेद में एक युद्ध का उल्लेख किया गया है, दशराज युद्ध। यह दशराज युद्ध जो है प्राचीन पर्शुनी नदी, जैसे कि
दशराज युद्ध हुआ, यहां पर एक परुषणी नदी थी, परुषणी 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 नदी के तट पर एक दशराज युद्ध हुआ। इस नदी को हम रावी नदी कहते हैं, अभी वर्तमान में इसे रावी नदी कहा जाता है। दशराज युद्ध हुआ, यह दशराज युद्ध जो था यह मुख्य रूप से दस राजाओं के मध्य किया गया युद्ध था। इसके दो संघर्ष दो पक्षों के बीच में हुआ। एक हुआ यहां सुदास हुए, एक और सुदास थे, और दूसरी ओर दस राजाओं का संघ था। दशराज युद्ध हुआ जिसमें एक और सुदास और दूसरी ओर थे दस राजाओं का संघ। सुदास जो थे यह विश्वामित्र के समर्थित राजा थे, और वहीं ये जो दस राजाओं का संघ था यह था यह वशिष्ठ के समर्थित। वहीं जब इस युद्ध में सुदास की विजय हुई, सुदास का जो वंश था ये भरत वंश, क्योंकि सुदास के जो वंशज हुए वो भरत कहलाए, और उनके वंशजों के आधार पर ही इस भारत का नाम भारत हुआ। अपने देश का नाम भारत, सुदास के वंशजों के आधार पर ही इसका नाम भारत हुआ। यह पहले आर्यावर्त कहा जाता था, आर्यावर्त, भारत का नाम आर्यावर्त भी था, लेकिन आर्यावर्त क्या है, ये संपूर्ण भारत को कवर नहीं करता था। आर्यावर्त केवल इसी क्षेत्र को कवर करता था जिसमें ये लोग रहने के लिए या रहते थे इस क्षेत्र को, लेकिन भरत वंश बाद में फिर ये संपूर्ण दक्षिण में भी भरत वंशियों के जो वंशज हुए उन्होंने दक्षिण में भी अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की और संपूर्ण भारत में अपना क्षेत्र स्थापित किया। इसी कारण से संपूर्ण भारत को भारत कहा जाने लगा। अनार्य संघर्ष के अंतर्गत यहाँ की जो द्रविड़ प्रजाति थी, द्रविड़ प्रजातियों से इनका संघर्ष हुआ, और संघर्ष के साथ ही इनको इन्होंने पराजित किया। और द्रविड़ों को पराजित करके, जो यहाँ के लोग थे इन्हें पराजित करके, इनके स्थान पर अपनी आर्य संस्कृति स्थापित की, अपनी आर्य संस्कृति की स्थापना की। इसके कई सबूत या साक्ष्य हमें ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं, जैसे कि इंद्र को किलों का भंजक कहा गया है, या नगर तोड़ने वाला कहा गया है। जब इनकी बस्तियों की बात करें तो यहाँ इन क्षेत्रों से लेकर इतने क्षेत्रों में वैदिक आर्यों की कई बस्तियां प्राप्त हुई है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में था। यहाँ 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 ऐसी कई बस्तियां थी जिनका उल्लेख किया गया है, जिनमें यदु, पुरु, कुरु आदि ऐसी बस्तियां थी जिनके उल्लेख भी ऋग्वेद में हमें प्राप्त होते हैं। अब कालांतर में ये लोग यहाँ की जो सरस्वती नदी थी, सरस्वती नदी के तट पर जाकर रहने लग गए। सरस्वती को इन्होंने नदियों की माँ कहा है। बात करें आर्य समाज की, आर्य संस्कृति के समाज की, वही बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज यह मुख्यतः ये लोग मुख्यतः बाहर से आए थे, और इन्हें स्थायित्व तो प्राप्त करने में काफी समय लगा। इस तरह ये लोग कबीलों में रहते थे, कबीलों से इन्होंने बस्तियों का निर्माण किया, ये बस्तियों में रहने लगे, बस्तियां लगे। ये मुख्यतः पशुपालन का कार्य करते थे, और पशुपालन के अंतर्गत सबसे अगर विशेष पशु देखा जाए तो वो था गाय। यह गाय का पालन करते थे, क्योंकि गाय के द्वारा इन्हें दूध प्राप्त होता था, और दूध से कई चीजें बनती थी जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इस तरह गाय इनके लिए सबसे पवित्र पशु के रूप में था, जिसे इन्होंने अधन्य और गवष्टी, जिसके लिए इन्होंने अधन्य और गवष्टी नामक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अधन्य का अर्थ होता है कि हत्या न करने योग्य, अर्थात गायों की हत्या करने पर ऋग्वेद में या वैदिक संस्कृति में कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। वहीं ये लोग इनके पास गायों का बाड़ा होता था, ये गायें बाड़े में रखी जाती थी, एक बाड़ा होता था गायों का। इस बाड़े को ये लोग गोत्र कहते थे,
गोत्र। और एक गोत्र के लोग एक साथ एक ही समुदाय में रहते थे, कई गोत्रों से मिलकर समुदाय, समुदाय और समुदाय से मिलकर गांव, और गांव से मिलकर विश, और विश से मिलकर जन बनता था। अर्थात इनका जो सबसे बड़ी इकाई थी वो जन थी, और जो प्रारंभिक इकाई थी वह यहां समुदाय से निकलता था परिवार। परिवार का जो मुख्य मुखिया होता था वो परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति होता था। ये परिवार में संयुक्त परिवार की प्रणाली थी, ये एक साथ रहते थे, जैसे जैसे कि भाई बहन भाभी बच्चे और माता पिता, ऐसे करके नहीं, ये सभी लोग एक साथ में रहते थे। इनका जो स्थान था, इनका जो रहवास स्थान था वो स्थायी नहीं था, ये कबीले में रहते थे। और प्रारंभ के जो आर्य थे वे अपना स्थान अक्सर बदलते रहते थे, लेकिन जो उसके बाद के जो धीरे धीरे आर्यों में परिवर्तन आता गया और उन्होंने स्थायित्व प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया गया। और ये जो जन था, इसका एक जनपति होता था, जनपति। वही जो गांव होता था, गांव का एक होता था जिसे हम ग्रामीण कहते हैं, ग्रामीण। और विश का विशपति होता था, विशपति। ऋग्वेद में जो जनपति या राजा होता था, राजा को जनता की रक्षा का कर्तव्य दिया गया था। वही यह भी उल्लेख किया गया है कि जनता को राजा को कर देना चाहिए, या जनता का यह कर्तव्य है कि वे अपने राजा को कर दे या वसूल करने दे। बात आगे समाज की करें तो विवाह, वैदिक आर्य विवाह को एक पवित्र संस्कार मानते थे। यह 16 संस्कारों में से एक संस्कार था और इसे पवित्र संस्कार मानते थे। विवाह के लिए एक योग्य आयु का प्रावधान था, 25 वर्ष। 25 वर्ष से पूर्व व्यक्ति विवाह नहीं कर पाता था। विवाह के साथ विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं जो अथर्ववेद में है। अथर्ववेद विवाह के 8 प्रकारों की भी चर्चा की गई है जो अथर्ववेद में है। ये संपूर्ण वैदिक काल की बात है। और वही बात करें तो यहां पर एक पत्नी का पति एक पत्नी से अधिक पत्नी पत्नियां नहीं कर पाता था। वहीं यदि वहीं बात करें खान पान की, तो जो वैदिक लोग थे ये शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों थे। वैदिक आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। और मांस का मुख्य रूप से मांस के लिए ये बेल, बकरी करते थे, और ये अपने देवताओं को भी इस प्रकार के मांस बलि के रूप में चढ़ाते थे। आभूषण, वैदिक लोग जो थे ये आभूषण प्रेमी थे। और यहाँ पर जो पुरुष था, यहाँ पर जो पहनावा होता था वो 3 प्रकार का होता था, वास, अधिवास और नीवी। नीवी, वास, अधिवास और नीवी। ये जो वास होता था इसे कपड़े के अंदर पहना जाता था, जैसे आज के जमाने में देखा जाए तो बनियान पहनते हैं, वैसे ही इसे कपड़े के अंदर पहना जाता था। जो अधिवास होता था यह नीचे पहना जाता था, और जो ये जो नीवी होती थी इसे नीचे पहना जाता था, और जो अधिवास होता था यह ऊपर से अलंकरण के लिए पहना जाता था। वही महिलाएं जो होती थी वह आभूषण प्रेमी होती थी और निष्क, कर्ण शोभन, निष्क, कर्ण शोभन और कुंभ, ये 3 प्रकार के आभूषण होते थे जिनका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। इसके साथ ही साजो सामान के सभी साधनों का प्रयोग किया जाता था। इसमें कई साधन शामिल थे। मुख्य रूप से स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। ये लोग वैदिक आर्य लोग बड़े बाल, दाढ़ी मूछ, कंघी और ऐसी चीजों का प्रयोग भी करते थे। ये लोग उत्सव और तीज त्योहार मनाते थे। मनोरंजन, मनोरंजन के लिए वैदिक आर्य लोग
क्रीड़ा या आखेट? आखेट, मल्ल युद्ध। और इसी के साथ में रथ दौड़ भी करते थे, रथ दौड़। मनोरंजन के लिए ये लोग तीज त्योहार, आखेट, मल्लयुद्ध और रथ दौड़ भी करते थे। इसी के साथ में मनोरंजन के लिए ये नृत्य, गान और वाद्य, इन तीन चीजों का प्रयोग करते थे। नृत्य, नाचना, गाना और बजाना, ये तीनों चीजें ऋग्वेदिक काल में प्रचलित थी और इनके लिए विशेष रूप से नियम भी बने हुए थे और इनकी जानकारी हमें मिलती भी है ग्रंथों से। इनके साथ ही ये लोग कृषि भी करते थे, लेकिन कृषि, ये मुख्य रूप से कृषि जो होती थी वह इतनी उन्नत अवस्था में नहीं थी, ये धुमक्कड़ की तरह रहते थे। इसीलिए कृषि इन्होंने स्थायी रूप से नहीं की, केवल एक तरह से देखा जाए तो खाना बदोश पेट भरने के लिए ही कृषि कार्य ये लोग करते थे, जिसमें ये लोग जो चावल आदि चीजों को ये उपयोग में लाते थे। जैसे जैसे वैदिक सभ्यता आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे इन लोगों का जो और प्रवास था उसमें स्थायित्व आया और ये एक जगह रहने लग गए, जिससे इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं में भी परिवर्तन आने लगा और ये सभ्यता धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल की ओर। वहीं यदि हम देखें वैदिक दस्युओं को, वैदिक समाज में दास और दस्यों का उल्लेख मिलता है। तो असल में दस्य या दास थे कौन? तो जो वैदिक आर्य आए और उन्होंने युद्ध के माध्यम से यहाँ के जो मूल निवासी थे, यहाँ के, उन्हें परास्त किया और उन्हें परास्त करने के बाद उन्हें अपने अधीन कर लिया। अब अगर जो किसी राजा हो या महाराजा हो, अगर अधीन हो गया तो वह तो दास ही कहलाएगा। तो दास, यहाँ के जो मूल निवासी थे उन्हें यहाँ दास कहा गया है और इसके लिए ऋग्वेद में कई साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। इसके लिए जैसे कि दो वर्ग बताए गए हैं, एक है गौर वर्ग और दूसरा है कृष्ण वर्ग। तो गौर वर्ग जो होता था ये अपने आप को आर्य कहते थे, वहीं जो कृष्ण वर्ग होता था ये दस्यु होता था, इसे दस्युओं को कृष्ण वर्ग कहा जाता था, ये काले होते थे। ऋग्वेद में मुख्य रूप से ये दो ही वर्ग है जिन्हें वर्ण कहा जाता था, रंग के आधार पर गोरा और काला कहा जाता था। जो आर्य होते थे वो गोरे थे और जो यहाँ के जो मूल निवासी थे वो थोड़े से हो सकता है काले हों, इसीलिए उन्हें कृष्ण वर्ग कहा गया। इसके लिए कई शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि इन्हें साफ ना बोलने वाला, जैसे कि इन्हें साफ ना बोलने वाला या चपटी नाक वाला, ये संस्कृत के शब्द हैं जिनका प्रयोग भी किया गया है, जिससे स्पष्ट जानकारी प्राप्त तो होती है कि दस्युओं को जो यहाँ के मूल निवासी थे उन्हें पराजित करके इन्होंने अपनी संस्कृति की स्थापना यहाँ पर। अभी जो गौर आर्य थे इसके अंतर्गत तीन वर्ग शामिल किए गए हैं। मुख्यतः ऋग्वेद में तो केवल दो ही वर्ग थे, लेकिन जो ऋग्वेद का 10वां मंडल जो बाद में लिखा गया उसके अंतर्गत चार वर्ण की बात आती है। चार वर्ण बताए गए हैं, जिसमें से पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, तीसरा वर्ण है वैश्य, वहीं यह चौथा वर्ण था, यह था शूद्र। चौथा वर्ण जो था यह था शूद्र। इस प्रकार से ये आर्य और ये अनार्य, ये चार वर्ण थे, इन्हें ऋग्वेद में आर्य कहा गया है और इन्हें अनार्य कहा गया है। इन्हें अनार्य कहा गया है। ऋग्वेद में प्रारंभ में किसी भी प्रकार की जाति का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जैसे जैसे ऋग्वेदिक काल आगे बढ़ता जाता है और जो कर्म आधारित जो जातियां थी, जैसे कि कर्म, जैसे कोई कुंभकार है तो वो कुंभ का काम कर रहा था तो कुंभकार है, या चर्मकार है, जैसे कोई चमड़े का काम कर रहा था तो चर्मकार है, और ऋग्वेदिक उत्तर ऋग्वेद काल में आते आते लोहे का भी लोहे लोहे की खोज भी हो गई थी इस लोहे लोहे की खोज भी हो गई थी इसलिए लोहकार जो था उसे लोहार कहा गया, या सोने का काम करने वाला था उसे सुनार कहा गया। ऐसे कार्यों के आधार पर अलग अलग नाम थे,
ऋग्वेद में वो एक उल्लेख किया जाता है। ऋग्वेद में प्रारंभ में किसी भी प्रकार की जातियां तो नहीं थी, लेकिन बाद के जो समय थे, जो कर्म आधार था, जो कर्मों के नाम थे या कार्यों के जो नाम थे, उन्हें ही बाद में आकर स्थायी रूप से जाति कह दिया गया। इन वर्गों की जो उत्पत्ति है उसे देवीय बताया गया है, जैसे कि ब्रह्मा, ब्रह्मा के मुख से ये जो थे, ब्रह्मा के मुख से, इन्हें मुख से बताया गया, ब्राह्मण को ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों को भुजा से और वैश्य को जंघा से, वहीं जो शूद्र थे इन्हें पैरों से। ये चार वर्णों को ब्रह्मा के शरीर की संरचना के आधार पर मुख, भुजा, जंघा और पैरों से इनकी उत्पत्ति बताई गई है। अर्थात ऋग्वेद में देवी, ये जो देवी शक्ति को भी कहीं ना कहीं स्वीकार किया गया है। वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन और संस्थान, वैदिक काल में राजनीति किस प्रकार की थी? मुख्यतः ये लोग कबीलों में निवास करते थे और कबीलों से फिर धीरे धीरे ये गांवों की ओर बढ़े। गांव कई कबीलों को मिलाकर, कई कबीले से गांव बनता था, कई गांवों को मिलाकर विष बनता था, विष, और कई विष को मिलाकर जन बनता था। ये जो ये कबीला जो होता था, ये भी कई समुदाय और परिवारों से मिलकर बनता था। परिवार का जो मुखिया होता था वह वहां का वृद्ध व्यक्ति होता था। वहीं जो गांव का मुखिया होता था उसे ग्रामीण कहा जाता था, ग्रामीण। विष का मुखिया विषपति होता था, विषपति। और जो जन का मुखिया होता था उसे जनपति कहा जाता था, जनपति। जनपति राजा या राजन कहा जाता था। इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था चलती थी। जो राजा होता था उसके तो मुख्य रूप से तीन कार्य थे, राजा के तीन कार्य थे। पहला था शासन, शासन, सैन्य और न्याय। शासन, सैन्य और न्याय, ये तीन प्रकार के राजा के कार्य थे। और राजा पर नियंत्रण रखने के लिए भी यहाँ पर संस्थाएं बताई गई है। ऋग्वेद में एक सभा, समिति और विदत नाम की तीन संस्थाएं थी। राजा के जो जो शासन होता था इसमें तीन कार्य बताए गए, वहीं राजा के तीन अधिकारी भी बताए गए हैं। इन अधिकारियों के अंतर्गत पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण। युद्ध, सामान्य शासन व्यवस्था में जो पुरोहित होता था वह राजा को दिशा निर्देश प्रदान करता था, वही ये राजा का एक प्रकार से मुख्य अधिकारी और या प्रधानमंत्री भी होता था। वही जो सेनानी होता था यह राजा का सेनापति होता था और संपूर्ण सेना का संचालन यही करता था। वही जो ग्रामीण होता था, जो ग्रामीण होता था यह ग्राम का ग्रामपति होता था और राजा को अन्य कार्य में राजा को सहयोग करता था। राजा जो था यह शासन पुरोहित की सहायता से और जो सेना थी वो सेनानी की सहायता से, लेकिन जो न्याय था ये भी कहीं न कहीं ये पुरोहित की सहायता से ही करता था। राजा जो होता था इस पर युक्ति युक्त नियंत्रण भी रखा जाता था। नियंत्रण रखने के लिए सभा, समिति और विदत, सभा, समिति और विदत नाम की तीन संस्थाएं होती थी। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता था। यहां प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, जनता द्वारा निर्वाचन किया जाता था। राजा को जनता पदच्युत भी कर देती थी, पदच्युत, पद से हटा भी सकती थी, लेकिन यह व्यवस्था काफी समय नहीं रही। जैसे इसके अंतर से जैसे ही विदत समाप्त हुई, जैसे ही विदत समाप्त हुई ये जो निर्वाचन था ये बंद हो गया और जो ये पदच्युत करना था या इसके जो नियंत्रण था ये निर्वाचन या बंद होकर वंशानुगत हो गया, वंशानुगत हो गया। और पदच्युति थी ये केवल परामर्श कार्य रह गया, परामर्श।
इनमें सभा समिति के कार्य थे। जो सभा होती थी यह मुख्यतः ग्रामीणों की होती थी, वहीं जो समिति होती थी यह नगरों में रहने वाले शिक्षित लोगों की होती थी, और इसके अंतर जो सदस्य होते थे, सदस्यों के निर्वाचन के लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएं होती थी, अलग अलग सदस्य यहाँ पर होते थे। और जो विदत होती थी यह राजा पर नियंत्रण रखती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते विदत को समाप्त कर दिया गया और सभा और समिति यह केवल और केवल परामर्शदात्री संस्थाएं रह गई, इनका कोई वजूद ज्यादा रहा। इसी के साथ अगर बात करें आर्यों की सैन्य व्यवस्था, आर्य जो थे ये बाहर से ही लड़ते लड़ते आए थे, अर्थात यह एक युद्ध प्रेमी जाति थी और यह युद्ध करने में पारंगत थे। तो सैन्य रूप से इनमें दो व्यवस्थाएं पाई गई थी, एक थी रथ सेना और दूसरी थी पैदल सेना। रथ सेना और पैदल सेना इनमें दो प्रकार की सेना था। युद्ध के समय घोड़ों का प्रयोग भी किया जाता था, घोड़े और हाथी का प्रयोग भी ये लोग करते थे। सेना का जो युद्ध के समय जो सेना का अधिपति होता था वह राजा होता था, और जो इसके नेतृत्व में सेनानी नामक अधिकारी जो होता था वह युद्ध करता था। अधिनायक राजा और सेनानी इसमें युद्ध करता था आए थे। और ये अस्त्र शस्त्र के रूप में ये लोग ढाल, बर्छा, तीर कमान, ढाल, बर्छा, तीर कमान आदि शस्त्रों का प्रयोग भी ये लोग जानते थे, और एक विशेष प्रकार के अस्त्र शस्त्र का, एक विशेष प्रकार के यंत्र का प्रयोग भी करते थे। शायद वह किला तोड़ने के लिए किया जाता था, किले तोड़ने के लिए किया जाता होगा। वही बात करें इनके न्याय व्यवस्था की, तो न्याय का जो प्रमुख कार्य था वह पुरोहित की सहायता से राजा करता था, और जो बड़े बड़े अपराध थे उनका ही न्याय राजा करता था। जो छोटे छोटे अपराध होते थे उनका निर्णय ग्राम सभा के द्वारा किया जाता था। न्याय में मुख्य रूप से अगर हत्या, न्याय में अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग दंड की व्यवस्था थी। हत्या के लिए सौ गाय का जुर्माना होता था। वहीं ऋण न चुकाने पर आजीवन दास होने की व्यवस्था थी। अगर ऋण नहीं चुकाया है तो उसे आजीवन दास बना दिया जाएगा। यह बंदी ग्रहों का भी उल्लेख किया गया है, और अन्य अपराध भी थे जैसे चोरी करना, ठगी करना या धोखाधड़ी करना आदि, ऐसे अपराध भी इसमें शामिल थे जिनके लिए भी अलग अलग दंड की व्यवस्था की गई थी। आज के लिए इतना ही। आगे का जो इसका अर्थव्यवस्था, धर्म और कुछ विधियां भी हैं इसके अंतर्गत, अनेक विधियां, अलग अलग विधियां भी हैं और विशेषताएं, इसकी मुख्य जो विशेषताएं थी वो भी हम देखेंगे। धन्यवाद।